हेलो चिल्ड्रेन टुडे वी आर गोइंग टू रीड दिस चैप्टर दट इज रिसोर्सेज इंड डेवलपमेंट फर्दर इन द प्रीवियस वीडियो आई है ऑलरेडी एक्सप्लेन यू वाट रिसोर्सेज आर तो जो पिछले जो वीडियोज थे वहाँ पर मैंने रिसोर्सेस किया है वो वो तुम्हें समझा दिया था ऐसे करके आई ऑल्सो एक्सप्लेन यू दैट रिसोसेज आर नॉट फ्री गिफ्ट ऑफ़ नेचर एंड अलॉन्ग विद डैट वी ऑल्सो रेड अबाउट टू बेसिस ऑन विच वी कैटेगोराइज ऑन विच वी कैटेगोराइज रिसोर्सेज तो हमने पिछले वीडियो में पढ़ा था दो आधार जिसके ऊपर हमने रिसोर्सेज को क्लासीफाई किया था लेकिन टोटल यात्रा को कि चार आधार यानी चार बेसिस है जिसके ऊपर हम रिसोर्स को क्लासीफाई करते हैं तो पिछले जो वीडियो था वहाँ पर हमने दो ऐसे बेसिस को डिस्कस कर लिया था और आज का जो ये वीडियो है उस पर हम आ, दो और ऐसे बेसिस यानी कि आधार को हम डिस्कस करने वाले जिसके ऊपर हम क्या करते रिसोर्स को क्लासीफाई करते तो हमने पिछले वीडियो में पढ़ा था कि ऑन द बेसिस ऑफ ऑरिजिन हम रिसोर्स को कितने हिस्सों में डिवाइड करते हैं तो हमने वहाँ पे पढ़ा था ऑन द बेसिस ऑफ़ औरिजिन हम रिसोर्सेज को दो हिस्सों में यानी क्लासीफाई करते हुए बायोटिक और अबायोटिक ऐसे करके हमने पढ़ा था ऑन द बेसिस ऑफ़ एग्जॉस्टिबिलिटी भी हम रिसोर्सेज को दो हिस्सों में क्लासिफाई कर सकते हैं रीन्यूएबल और नॉन रीन्यूएबल और वहाँ पे मैंने तुम्हें बताया था कि जो रीन्यूएबल रिसोर्सेज है उसको भी हम फर्दर क्लासिफाई कर सकते हैं किसमें तो कंटिन्यूस और फ्लो में और जो नॉन रीन्यूएबल रिसोर्स है उसको हम फर्दर क्लासीफाई कर सकते हैं दो हिस्सों में वो है रिसाइकलेबल और नॉन रिसाइकलेबल तो आज हम पढ़ने वाले किसके बारे में तो थर्ड बेसिस के बारे में सो टुडे वी आर गोइंग टू गोइंग टू रीड अबाउट दिस थर्ड एंड फोर्थ बेसिस ऑन विच वी कैटेगोराइज रिसोर्सिस सो लेट्स बिगिन विद द थर्ड बेसिस दैट इज़ ऑन द बेसिस ऑफ ओनरशिप तो यहाँ पे तीसरा बेसिस यानी आधार जिसके ऊपर हम रिसोर्सिस को क्लासीफाई करते हैं वो है तुम्हारा बेसिस ऑफ ओनरशिप तो ऑन द बेसिस ऑफ ओनरशिप तो ऑन द बेसिस ऑफ ओनरशिप यात्रा को रिसोर्सेज को हम चार हिस्सों में क्लासीफाई करते हैं सबसे पहला वाला इंडिविजुअल रिसोर्सेज जो तुम्हें बुक में यहाँ पे स्क्रीन में मैं जूम इन कर रही हूँ तो तुम्हें दिख रहा है इंडिविजुअल रिसोर्सेज ऐसे करके कम्युनिटी ओन रिसोर्सेज इधर पे तुम्हारा नेशनल रिसोर्सेस है और उसके नीचे में इंटरनेशनल रिसोर्सेस है तो यहाँ पे याद रखो ओनरशिप मतलब मालिक कौन है ओनर कहने पर तुरंत तुम्हारे दिमाग में कोई क्या आता है तो अगर हम कहेंगे ये बिल्डिंग का ओनर वो है तो ऑटोमेटिकली दिमाग में आएगा उसको बिल्डिंग का मालिक वो इंसान है तो ऐसे करके ओनरशिप कहने पर याद रखो कि हम मालिक कौन है उसके आधार पर हम रिसोर्सेज को क्लासीफाई कर रहे हैं तो यहाँ पर सबसे पहला आधार बेसिस यानी कि इस इस आधार पर कैटेगोराइज़ किया हुआ वो है इंडिविजुअल रिसोर्सेज तो ऑन द बेस ऑफ ओनरशिप वी क्लासिफाई रिसोर्सेज इंटू फोर टाइप्स एंड द फर्स्ट वन इज इंडिविजुअल रिसोर्सेज तो इंडिविजुअल कहने पर यात्रा को ये पर्सनल प्रॉपर्टी की हम बात कर रहे हैं जैसे कि जो तुम्हारा घर है तुम्हारा जो गाड़ी है तुम्हारा जो मोबाइल फोन है ये सब तुम्हारा पर्सनल प्रॉपर्टी है तो ऐसे करके इंडिविजुअल रिसोर्सेज में ऐसे रिसोर्सेज आते हैं जो लोग प्राइवेटली यानी कि वो पर्सनली ओन करते तो आप यहाँ पढ़ते दीज आर ऑल्सो बाई इंडिविजुअल या तो इंडिविजुअल्स इंडिविजुअल रिसोर्से ऐसे रिसोर्स से जो कौन ओन करता है तो ये प्राइवेटली इंडिविजुअल्स ओन करते हैं ये पर्सनल प्रॉपर्टी है इंडिविजुअल्स का मेनी फार्मर्स ओन लैंड विच इज़ अलॉटेड टू दैम बाई गवर्नमेंट अगेंस्ट द पेमेंट ऑफ रेवन्यू तो यहाँ पे बोला गया है बहुत सारे फार्मर्स ऐसा ज़मीन उनके पास होता है यानी वो ऐसा ज़मीन का मालिक होते हैं जो उनको दिया जाता है किसकी ओर से तो गवर्नमेंट की ओर से और उसके बदले में वो क्या पे करते गवर्नमेंट को तो रेवन्यू रेवनीू रेवन्य। यानी कि टैक्स ऐसे करके बोला गया इन विलेजेस दे आर पीपल विथ लैंड ओनरशिप बट देर आर मेनी हु आर लैंडलेस तो ऐसे करके गाँवों में तुम्हें देखने को मिलता है बहुत सारे ऐसे परिवार होते हैं जिसके पास क्या होता है ज़मीन होता है यानी कि उनके पास लैंड ओनरशिप होता है यानी कि वो ज़मीन के मालिक होते हैं लेकिन ऐसे करके बहुत सारे परिवार हमें देखने को मिलता है गाँवों में जो कि क्या है बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जिनके पास क्या नहीं होता ज़मीन नहीं होता है जिन्हें हम लैंडलेस कहते हैं अर्बन पीपल ओन प्लॉट्स हाउज़ेस एंड अदर प्रॉपर्टी तो ऐसे करके हम बात रहे हैं शहरों की तो अर्बन एरियाज़ की तो अर्बन एरियाज़ सिटीज टाउनस में तुम्हें देखने को मिलता है कि ये जो लोग होते हैं वो क्या ओन करते ओन मतलब क्या उनका है क्या उन वो किस चीज़ के मालिक है तो यहाँ पे दे ओन बोला गया पीपल ओन क्या प्लाट्स तो प्लाट्स मतलब ज़मीन हाउजेस कहने पर घर और अदर प्रॉपर्टी तो बाकी प्रॉपर्टी हो सकता है उनके पास कार वगैरह हो तो ये तुम्हारे अदर प्रॉपर्टी में हम एग्ज़ाम्पल में ले रहे हैं ऐसे करके बोला गया प्लान्टशन पैश्चुअल लैंड पोंडस वाटर इन वेल्स एक्सेट्रा सम एग्जाम्पल्स ऑफ रिसोर्सेज ओन बाई इंडिविजुअल्स तो यहाँ पर कुछ ऐसे एग्जाम्पल्स दिए गए किसके तो रिसोर्सेज़ के जो इंडिविजुअल्स का हो सकता है यानी कि जो प्राइवेटली ओन किया जा सकता है यानी कि वो पर्सनल प्रॉपर्टी हो सकता है तो so, यहाँ पर बोला क्या क्या चीज़ है तो प्लान्टशन तो प्लांटेशन में हम क्या करते तो so, बड़ा सा ज़मीन का हिस्सा होता है वहाँ पर हम खेती करते एक ही टाइप का क्रॉप ग्रो करते तो प्लांटेशन किसका एग्जाम्पल हो सकता है तो यहाँ यात्रो इंडिविजुअल रिसोर्स का एग्जाम्पल हो सकता है ऐसे करके पैचअर लैंड पैसोर लैंड यानी कि जहाँ पे बड़ा सा ग्रीजिंग टाइप का लैंड जहाँ पे घास उगता है तो वो वाला पैसोअर लैंड किसी का ज़मीन हो सकता है ऐसे करके पौंड भी किसी का आ, क्या हो सकता है पर्सनल प्रॉपर्टी हो सकता है ऐसे करके वाटर इन वेल्स भी क्या है एक एग्जाम्पल है किसके तो पर्सनल प्रॉपर्टी यानी कि इंडिविजुअल रिसोर्स के एग्जाम्पल्स से तो ये जो एग्जाम्पल्स हमें अभी पड़ रहा है ये सारी किसके एग्जाम्पल्स है तो इंडिविजुअल रिसोर्सेज के एग्जाम्पल से जो है कि प्राइवेटली इंडिविजुअल्स ओन करते यानी कि उनके पर्सनल प्रॉपर्टी होंगे उसके बाद बोला गया यहाँ पे मेक अ लिस्ट ऑफ़ रिसोर्स ओन बाई योर हाउस होल्ड ऐसे करके तुम एक लिस्ट तैयार करो ऐसे रिसोर्सेज के जो तुम्हारा परिवार ओन करता है हो सकता है जमीन ओन करता हो सकता है घर ओन करता हो सकता है बहुत सारे व्हीकल्स ओन करते हो हो सकता है तुम्हारे जो खे जमीन है जमीन में वहाँ पे पोंड हो या फिर हो सकता है वहाँ पे तुम्हारा पैशर लैंड हो तो ऐसे करके तुम एग्ज़ाम्पल्स वहाँ पर लिख सकते हो लेकिन ये तुम्हें लिखना नहीं है लेकिन अभी के लिए समझ लो कि इंडिविजुअल रिसोर्सेज ऐसे रिसोर्सेज जो कि पर्सनली कोई ओन करेगा यानी कि वो प्राइवेटली ओन करेगा कौन तो इंडिविजुअल्स प्राइवेटली उसको ओन करेंगे जैसे तुम्हारा घर ले ली एग्ज़ाम्पल में तो तुम्हारा घर जो है उसके अंदर आने के लिए जैसे कि मैं एक क्या हूँ तुम्हारे लिए तुम्हारे घर का मेंबर नहीं हूँ तो, तो उसके अंदर आने के लिए मुझे क्या चाहिए तुम्हारा परमिशन चाहिए तो ऐसे करके हम अंदर खुद से नहीं आ सकते तुम्हारा सामान यूज़ नहीं कर सकते ये तुम्हारा क्योंकि क्या है वो तुम्हारा इंडिविजुअल रिसोर्सेज है तो यहाँ पे या तो इंडिविजुअल रिसोर्सेज ऐसे रिसोर्सेज है जो कि प्राइवेटली इंडिविजुअल्स ओन करते हैं अब आगे पढ़ते हैं कम्यूनिटी ओन रिसोर्सेज के बारे में तो यहाँ पे बोला गया है देयर आर रिसोर्सेज विच आर एक्सेसिबल टू ऑल द मेम्बर्स ऑफ द कम्युनिटी तो ये ऐसे रिसोर्स भी होते हैं जिसको क्या करते कम्युनिटी के लोग जो एक जगह में रह रहे हैं तो ये नेबरहुड के लोग क्या करते इस्तेमाल में लाते यानी कि सब जो भी लोग उस एरिया में रह रहे हैं वो उसका इस्तेमाल कर सकते हैं तो ऐसे रिसोर्स को हम क्या कहते हैं कम्युनिटी ओन रिसोर्स तो मालिक कौन होंगे तो वहाँ के जो कम्युनिटी के लोग हैं वो जो नेबरहुड के लोग हैं वो सब उसके मालिक होंगे विलेज कॉमन ग्रेजिंग ब्यूरियल उसके बाद जाके विलेज पॉइंट एक्सेट्रा पब्लिक पार्क्स पिकनिक स्पॉट्स प्ले ग्राउंड इन अर्बन एरियाज आर डी डिफेक्ट एक्सेबल टू ऑल द पीपल लिविंग देयर तो यहाँ पे याद रखो ये जो विलेज कॉमन है यानी विलेज में जो कॉमन प्लेसेस जैसे ग्रेजिंग ग्राउंड्स ग्रेजिंग ग्राउंड्स तो यानी कि जहाँ पे तुम गाय वस्तु को क्या करते हो मवेशियों को चढ़ाने के लिए ले जाते हो यानी ग्रेज करने के लिए ग्रेजिंग करने के लिए यानी कि उसको चढ़ाने के लिए ले जाते हो वहाँ पे ब्यूरियल ग्राउंड दफन करने का एरिया ऐसे करके विलेज का जो पॉन्ड है उस पर क्या करते हैं जो कम्युनिटी के लोग हैं उनका अधिकार होता है ऐसे करके जो पब्लिक का जो पार्क होता है वहाँ पे कोई भी लोग जा सकता है पब्लिक पार्क में ऐसे करके जो पिकनिक स्पॉट है वहाँ पे भी कोई भी पिकनिक मनाने के लिए जा सकता है लेकिन जो तुम्हारा घर का गार्डन है वहाँ पे पिकनिक मनाने कोई भी नहीं आ सकता क्योंकि वो क्या था तुम्हारा घर का गार्डन वो तो तुम्हारा एग्जाम्पल है किसका तो वो तुम्हारा तो इंडिविजुअल इंडिविजुअल रिसोर्सेज का वो एग्ज़ाम्पल है लेकिन यहाँ जो मैं बोल रही हूँ पब्लिक पार्क ये तुम्हारा इंडिविजुअल रिसोर्सेज नहीं है तो पब्लिक का प्रॉपर्टी है इसलिए वहाँ पर हम सब जाके क्या कर सकते पब्लिक पार्कस में जा सकते हैं रनिंग के लिए जॉगिंग के लिए या फिर वहाँ पर एक्सरसाइज वगैरह करने के लिए या फिर सिर्फ वहाँ पर बैठने के लिए हम जा सकते हैं ऐसे करके पिकनिक स्पॉट्स बोली मैं प्ले ग्राउंड्स इन नॉर्वन इंडिया तो ये जो प्ले ग्राउंड्स होता है वहाँ पर भी जो बच्चे जाके खेल सकते हैं आर डी फैक्ट एक्सीबल टू ऑल द पीपल लिविंग देयर तो वहाँ पे जो एरिया में जो रह रहे हैं वो लोग ऑटोमेटिकली उनको क्या होता है वो एक्सेबल होते हैं उनके लिए यानी कि वो उसका इस्तेमाल कर सकते हैं लेकिन वही चीज़ जो मैं बोली जो तुम्हारे घर का गार्डन या तुम्हारा घर वो ऐसे सभी लोगों के लिए एक्सेबल नहीं है वो तो तुम्हारा प्राइवेट प्रॉपर्टी है इसलिए वो इंडिविजुअल रिसोर्स किसके लिए में आएंगे ऐसे करके आगे बोला गया है तीसरा जो क्लासिफिकेशन है ऑन द बेसिस ऑफ ओनरशिप वो है तुम्हारा नेशनल रिसोर्सेज तो नेशनल कहने पर तुम्हारे दिमाग में आया होगा देश तो ऐसे करके नेशनल रिसोर्सेज बोला गया टेक्निकली ऑल द रिसोर्सेज बिलोंग टू द नेशन तो अगर हम बात करेंगे टेक्निकली तो हमें देखने को मिलेगा कि सारे के सारे जो रिसोर्सेज है वो देश को बिलोंग करता है क्योंकि हमारा जो एरिया है मतलब हमारा जो घर है या फिर जो हम पब्लिक पार्क्स की बात करें या जो पोर्ट्स वगैरह की बात करें वो तो इंडिया की जैसे हमारा जो देश इंडिया तो हमारे जो बाउंड्री है उसके अंदर में आएगा इसलिए अगर टेक्निकली जब बात करते तो ये सारे जो एरियाज है वो सारे हमारे देश को बिलोंग करते हैं इसीलिए यहाँ पे बोला गया है कि सारे जो रिसोर्सेज है वो देश को बिलोंग करता है द कंट्री हैज लीगल पावर्स टू अक्वायर इवन प्राइवेट प्रॉपर्टी फॉर पब्लिक गुड तो यहाँ पे याद रखो देश के पास वो क्या होता है पावर होता है क्षमता होता है कि उनको क्या तो वो क्या कर सकता है वो उनके पास लीगल पावर हो सकता है कि लॉफुली वो क्या कर सके वो अक्वायर कर सके यानी कि वो किसी का प्राइवेट प्रॉपर्टी भी वो अपने अंदर में ले सकता है अगर उससे क्या हो तो पब्लिक गुड हो यानी पब्लिक गुड हो मतलब पब्लिक का भलाई हो तो पब्लिक के भलाई अगर हो रहा है तो ऐसे में जो तुम्हारा पब्लिक प्रॉपर्टी है सॉरी प्राइवेट प्रॉपर्टी है वो भी गवर्नमेंट अपने अंदर में ले सकता है तो ये लीगली ये मुमकिन है यू माइट हैव सीन रोड्स कैनल्स रेलवेज बिंग कंस्ट्रक्टेड ऑन फील्ड ओन बाय सम इंडिविजुअल्स तो यहाँ पर बोला गया है तुमने देखा ही होगा हो सकता है तुमने देखा होगा कि रस्ते बन रहे हैं या फिर कैनल्स यानी कि नहर बना रहा है या फिर रेलवेज बना रहे हैं यानी कि रेलवे ट्रैक बिछाया जा रहा है कहाँ से तो बोला गया है फील्ड्स से खेतों से किसके तो इंडिविजुअल लोगों के यानी कि सम इंडिविजुअल्स के तो यहाँ पे जो इंडिविजुअल प्रॉपर्टी किसे क्या गुजर रहा है क्या क्या वो लोग बना रहे हैं तो वहाँ पे वो बना रहे रस्ते या फिर कैनल्स बना रहे रेलवेज बना रहे ऐसे करके बोला गया अर्बन डेवलपमेंट अथॉरिटीज़ गेट इम्पावर्ड बाय द गवर्नमेंट टू ऑफ वायरलैंड तो ऐसा करने का पावर किसको दिया गया है तो यहाँ पे बोला गया गवर्नमेंट द्वारा ये पावर किसी के जो इंडिविजुअल प्रॉपर्टी है उसको नेशनल नेशनल मतलब प्रॉपर्टी के अंडर में लान लेने का पावर किसने दिया है तो गवर्नमेंट ने दिया है किसको तो अर्बन डेवलपमेंट अथॉरिटीज़ को दिया है किसको दिया है तो अर्बन डेवलपमेंट अथॉरिटीज़ को ये पावर दिया गया इम्पावर किया गया है? मतलब उनको पावर दिया गया है गवर्नमेंट द्वारा कि ज़मीन जो है वो क्या कर सके वो हासिल कर सके अगर उस जमीन को लेने से यानी कि जो इंडिविजुअल प्रॉपर्टी को लेने से वो क्या हो रहा है उससे देश का भला यानी कि पब्लिक गुड हो रहा है यानी कि जो पब्लिक का भलाई हो रहा है उसके बाद बोला गया ऑल द मिनरल्स वाटर रिसोर्सेज फॉरेस्ट वाइल्ड लाइफ लैंड विद इन द पोलिटिकल बाउंड्रीज इन ओशनिक एरिया अप टू ट्वेल्व नॉटिकल माइल्स फ्रॉम द कोर्स टर्म्ड एज टेरिटोरियल वाटर एंड रिसोर्सेज देयर इन बिलोंग टू द नेशन तो यहाँ पे याद रखो कि यहाँ पे याद रखना है तुमको जो मैंने अभी बोला अर्बन डेवलपमेंट अथॉरिटीज़ वाला यात्रा को उसके साथ साथ यात्रा को कि सारे के सारे जो खनिज पदार्थ यानी जो मिनरल्स हमें मिल रहा है या फिर जो वाटर रिसोर्सेज है चाहे वो वाटर रिसोर्सेज हो सकता है वो आइस के फॉर्म में हो या फिर हो सकता है वो तुम्हारा रिवर के फॉर्म में या फिर वेल के फॉर्म में ये जो अंडरग्राउंड वाटर है ये सारा जो वाटर रिसोर्सेस है ऐसे करके जो फॉरेस्ट है जो वहाँ पर मिल रहा है साथ में वाइल्ड लाइफ कहने पर जो एनिमल स्पीसीज वो मिल रहे हैं साथ में लैंड यानी कि जो ज़मीन है जो आता है कि इसके अंदर में तो ये जो पॉलिटिकल बाउंड्री के अंदर में आता है और साथ में जो ओशन में एरिया यानी कि जो कोस्ट है कोस्ट के बगल वाला जो एरिया है कितने किलोमीटर तक तो बोला है ट्वेंटी टू पॉइंट टू किलोमीटर तक जो कि बारह नॉटिकल माइल तक का एरिया है कोर्स से लेके उसको हम क्या कहते टेरिटोरियल वाटर कहते हैं और ये जो एरिया है ये इस पर सारा किसका अधिकार होता है तो देश का अधिकार होता है तो यहाँ पे याद रखो मैं क्या समझाने की खोज क्योंकि नेशनल रिसोर्सेज सिर्फ ज़मीन के अंदर नहीं है यानी कि जो तुम्हारा लैंड बाउंड्री है उसके अंदर में नहीं है लेकिन यहाँ पर हम देखने को मिल रहा है कि पानी के एरिया में यानी कि पानी के एरिया में भी क्या है हमारा यानी कि नेशनल एरिया पड़ता है कहाँ तक तो ट्वेल्व नॉटिकल माइल्स तक जो कि ट्वेंटी किलोमीटर है तो ट्वेल्व नॉटिकल मایल्स किलोमीटर में कितना है तो ट्वेंटी टू पॉइंट टू किलोमीटर है तो इस एरिया को हम क्या कहते हैं तो हम इस एरिया को टेरिटोरियल वाटर कहते हैं तो यहाँ तक तुम्हें समझ में आया होगा तो मैं क्या समझाने की कोशिश कर रही हूँ तो मैं समझाने की ये कोशिश कर रही हूँ कि ओनरशिप के आधार पे ये जो रिसोसेज़ है ये चार किस्म के होते हैं इंडिविजुअल कम्युनिटी ओन्ड और नेशनल रिसोर्सेज और यहाँ पे मैंने बोला नेशनल रिसोर्सेज़ जो है वो सिर्फ ज़मीन में ही होगा ऐसा नहीं है ये पानी के एरिया में भी हो सकता है और कहाँ तक तो मैंने बोला बारह नोटिकल माइल्स तक जो कि ट्वेंटी किलोमीटर है और इस एरिया को हम क्या कहते हैं तो हम इस एरिया को टेरिटोरियल वाटर कहते हैं तो आप ऐसे जाके आगे हैं तो बोला गया इंटरनेशनल रिसोर्सेज के बारे में तो इंटरनेशनल रिसोर्सेज के बारे में बताया गया है दे आर आर इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन विच रेगुलेट सम रिसोर्सेज तो यहाँ पे याद रखो कि इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है जो कि रेगुलेट करता है यानी कि वो निर्धारित करता है वो देखता है रिसोर्सेज का इस्तेमाल तो यहाँ पर हमें हाँ समझाने की ये कोशिश कर रहा है कि कुछ कुछ रिसोर्सेज क्या होते हैं इंटरनेशनल भी होते द ओशनिक रिसोर्स बियॉन्ड टू हंड्रेड माइल्स ऑफ द ईज जेड बिलोंग टू द ओपन ओशन एंड नो इंडिविजुअल कंट्री कैन यूटिलाइज दिस विदाउट द कॉन्करेंस ऑफ इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस तो यहाँ पे याद रखो कि वो जो ओशनिक रिसोर्सेस है जो कि 200 सौ नोटिकल माइल से किससे तो ई जेड से तो मान लो तुम्हारा जो कोस्टल एरिया है उसके 200 सौ किलोमीटर मतलब दो सौ नोटिकल माइल तक जो एरिया है वो ई जेड हो गया हमारे इंडिया का तो ये ई जेड के उस पार का जो एरिया है वो किसका एरिया है तो वो इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन वहाँ पर जो भी चीज़ें अगर हमें वहाँ से मान लो कोई चीज़ को निकालना है मान लो नीचे के एरिया में कोई मिनरल मिल रहा है तो उस मिनरल को एक्सट्रैक्ट करना है तो हमें परमिशन चाहिए होगा इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन से तो वो वाला एरिया जो है जो कि 200 सौ नोटिकल माइल के उस पारी उसे हम क्या कहते हैं वो इंटरनेशनल रिसोर्सेस में गिना जाता है और यहाँ पे डू यू नो में ये एग्जाम्पल भी दिया गया है कि डू यू नो दैट इंडिया हैज़ गॉट द राइट टू माइंड मैगनीज नोड्यूल्स फ्रॉम द बेड ऑफ द इंडियन ओशन फ्रॉम दैट एरिया विच लाइज बियॉन्ड द ई जैक्ट तो यहाँ पे याद रखो बोला गया है कि इंडिया को अधिकार दिया गया है कि क्या कर किया जा सके यानी वो परमिशन दिया गया है कि वो क्या कर सके वो मैगनीज़ नोड्यूल्स जो है जो बेड में मिलता है इंडियन ओशन के बेड में बेड में मतलब जो इंडियन ओशन का जो नीचे का एरिया है सर्फेस है उसको हम बेड कहते हैं तो वहाँ पर मिलता है और उस एरिया से हमें क्या एक्सट्रैक्ट करने का परमिशन मिला है तो यहाँ पे वहाँ से हमें मैग्नीज नोड्यूल्स निकालने का परमिशन मिला है और ये परमिशन हमें किस से हासिल हुआ है तो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन से हमें हासिल हुआ है और ये वो एरिया है जहाँ से हम निकाल रहे हो वो तुम्हारा ई e ई जेट के अंडर में नहीं आता वो ई e जेट के भी उस पार है यानी कि दो सौ नोटिकल माइल के भी उस पार है इसलिए हम वहाँ से जब निकालते हैं तो हमें किसका परमिशन चाहिए तो इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन का परमिशन चाहिए तो यहाँ पर एग्जाम्पल एक याद रख लो वो है तुम्हारा इंटरनेशनल सी बेड अथॉरिटी तो इंडिया ने एक अग्रीमेंट किया है इंटरनेशनल सी बेड अथॉरिटी के साथ जिसके वजह से हमें ये परमिशन दिया गया है तो यहाँ पे ये बुक में नहीं मेंशन किया गया है लेकिन तुम ये अपनी बुक में लिख लेना इंटरनेशनल सी बेड अथॉरिटी वो वो ऑर्गेनाइजेशन यानी कि वो इंस्टीट्यूशन है इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन है जिसने हमें ये परमिशन दिया है क्या निकालने का तो मैंने अभी बोला मैंगनीज नोडल्स निकालने का उस एरिया से जो 200 कि दो सौ नोटिकल माइल के उस पार यानी कि ई जेड के उस पार यानी बियॉन्ड ए जेड के तो यहाँ पर बोला गया आइडेंटिफाई सम अदर रिसोर्सेज विच आर इंटरनेशनल इन नेचर तो ऐसे रिसोर्सेज जो भी तुम्हारे किसके उस पार होंगे ई जेड के उस पार होंगे चाहे वहाँ पर तुम्हें जो भी मेटल मिले जो भी मिनरल मिले ये सारे क्या होंगे तुम्हारे क्या कहलाएंगे तो ये इंटरनेशनल रिसोर्सेस में गिने जाएंगे सो वी आर गोइंग टू स्टॉप हियर फॉर टुडे मैं चौथा वाला पॉइंट डिस्कस करने वाली थी लेकिन ये वीडियो बहुत लंबा हो रहा है इसलिए मैं यहीं पे स्टॉप कर रही हूँ नेक्स्ट वीडियो क्लिप में हम फोर्थ uh, बेसिस को डिस्कस करेंगे थैंक यू